नमस्कार, लाइव सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देखिए, बिहार सरकार आए दिन छात्र छात्राओं के बारे में सोचती हुई नजर आती है। कई सारी योजनाएं बनाए जाते हैं और आपको बता दें कि इस बार फिर से कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जी हम आपको बता दें कि जो नीतीश सरकार है उन्होंने कैबिनेट में जो 1 से लेकर 10 तक के जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उन्हें प्री जो मैट्रिक स्कॉलरशिप है वह देने का फैसला लिया है। और आपको बता दें कि यह पहले केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता था, लेकिन जब से केंद्र सरकार ने इसे बंद कर दिया तो अब जो राज्य सरकार है वो अपने कोष से इन छात्राओं को स्कॉलरशिप जो है वह देगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में ये जो फैसले लिए गए हैं, राज्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य के सरकारी विद्यालय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृति विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 10 तक के अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री योजना के संचालन एवं दिशा निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से करने की स्वीकृति दी गई है। बता दें आपको कि जैसे ही पहले केंद्र सरकार के द्वारा यह दिया जाता था, लेकिन केंद्र सरकार ने जब से इसे बंद कर दिया तो अब राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अपने कोटे से ही और अपने कोष से इन बच्चों को स्कॉलरशिप जो है वह देगी। आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार पहले जो है वो 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को कवर करती थी। बता दें आपको कि जितने भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय के जितने भी बच्चे थे, जो कि 1 से लेकर 8 तक के बच्चों थे, उन्हें ये जो सुविधाएं हैं वो दी जाती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे बंद कर दिया था और 9 और 10 के जो कक्षा के बच्चे थे उन्हें यह देने की बात कही थी। और अब जो है वो अब साफ तौर से राज्य सरकार जो है वो निर्णय लिया है कि अब सरकार 1 से लेकर 10 तक के बच्चों को अपने कोष से अल्पसंख्यक जो बच्चे हैं उन्हें छात्रवृत्ति देगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट में 16 एजेंडों पर मोहर लगी है, मंजूरी दी गई है। और वहीं जो शहरों में होर्डिंग पोस्टर्स लगाए जाते हैं उन पर भी बहुत अहम फैसला लिया गया है। जी हम आपको बता दें कि अब नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2022 को भी स्वीकृति दी गई और इसके अंतर्गत अब शहरों में लगने वाले बड़े विज्ञापनों पर नियंत्रण किया जाएगा। इसके लिए लाइसेंस फीस ली जाएगी और बड़े विज्ञापनों को बेतरतीब तरीके से लगाने जो है उसे नहीं दिया जाएगा और शहर की सुंदरता को ध्यान में रखा जाएगा। तो इस तरीके से शहर में जो होर्डिंग लगे जाते हैं उनके लाइसेंस पे फीस जो है वो सरकार लेगी। कुल 16 एजेंडों पर मोहर लगी है और अलग अलग विभागों के जो एजेंडे हैं उन पर मोहर लगी है। तो वहीं ये नया सरकार जो है महागठबंधन की सरकार, उन्होंने छात्र छात्राओं को ध्यान में रखते हुए भी अहम फैसले लिए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे लाइव सिटीज। धन्यवाद।